Hello students, I am Mukti Sa from Is Learning Center, and we are on the chapter number four of science: materials, metals, and non-metals. Very interesting chapter. In this chapter, we have already completed about the study of physical property of metal and non-metal, and from today we are moving on the important part of this chapter. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए ये टॉपिक है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्यों क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे हमें केमिस्ट्री का बेसिक पता चलेगा बेसिक नॉलेज आएगा जो हमें नाइन टेन में भी काम लगेगा और आगे तो काम लगने ही वाला है तो आज देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उसके पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि लिटमस पेपर जो होते हैं शायद uh, आपने आगे पढ़ा होगा इसके बारे में अगर नहीं पता है तो भी कोई टेंशन नहीं है लिटमस पेपर नाम के पेपर्स आते हैं केमिस्ट्री में जो दो कलर के होते हैं एक रेड लिटमस पेपर एंड एक ब्लू लिटमस पेपर तो ये दोनों यूज होते हैं चेक करने के लिए कि जो हमारे पास केमिकल सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है अभी एसिडिक मतलब क्या वो तो आपको पता होगा बेसिक उसका अपोजिट ऐसा मानो कि अगर आपके पास लेमन जूस है तो वो एसिडिक नेचर का होता है एंड अगर आपके पास आ, कपड़े धोने का साबुन है वो अगर आपने वाटर में डिजोल्व कर दिया तो वो बेसिक नेचर का होता है अभी आपको पता कैसे चलेगा तो अगर आपके पास ये लिटमस पेपर है मेरे पास तो है जब आप ऑफलाइन स्टडी में आओगे तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली बताऊंगी तो ये रेड लिटमस पेपर को अगर हम लेमन जूस में डिप करेंगे तो रेड लिटमस पेपर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगी लेकिन जैसे ही हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप करेंगे लेमन जूस में तो वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा तो ब्लू कलर को रेड कलर में टर्न कर देगा चेंज कर देगा कलर ओके okay? तो ये हो गया एसिडिक नेचर का की पॉइंट ऐसे हम उसको पहचान सकते हैं अगर कोई लिक्विड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है तो वो एसिडिक है रेड यानी डेंजर एसिडिक है ओके ऐसे हम याद रख सकते हैं फिर ब्लू लिटमस पेपर की बात करते हैं तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा वो है एसिड अभी बात करते हैं हम कपड़े धोने के साबुन का लिक्विड उसके अंदर अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर डीप किया तो उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं होगी लेकिन जैसे ही आप उसमें रेड लिटमस पेपर डीप करोगे तो आप देखना कि रेड लिटमस पेपर धीरे धीरे ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इससे ये पता चलता है कि जो भी केमिकल सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट करता है वो है बेसिक इन नेचर तो वो बेसिक सॉल्यूशन है बेसिक नेचर वाला है ये पता चल जाएगा तो बी से बी याद रख सकते हो बेसिक टर्न्स लिटमस पेपर इनटू ब्लू कलर तो ब्लू में कौन कन्वर्ट करेगा किसको कन्वर्ट करेगा तो ब्लू में कन्वर्ट करेगा बेसिक सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ओके तो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के साथ फर्स्ट है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन देखिए मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स मेटल ऑक्साइड्स आर बेजिक इन नेचर तो बेजिक नेचर में है तो इसका मतलब पेपर पे कैसा इंपैक्ट करेंगे देकेशन okay. इसको बोलते हैं ये वर्ल्ड इक्वेशन है वेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इट गिवस अस मेटल ऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेजिक ऑक्साइड्स बेजिक इन नेचर ओके okay. तो so, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है मैग्नेशियम की मैग्नेशियम को अगर एयर में बर्न करेंगे तो क्या होगा ये दिखाने के लिए ये एक्टिविटी है मैग्नेशियम इज अ मेटल वी टेक अ मैग्नेशियम वायर होल्ड इट अ पेयर ऑफ टोंग एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम मैग्नेशियम वायर बर्न विगरसली प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट वाइट लाइट टू फॉर्म एन एस जो एस बनेगी वो होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो वी पुट दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड एस इन बॉइलिंग ट्यूब का सॉल्यूशन तो मैग्नेशियम ऑक्साइड पार्सियली डिजोल्व होता है वॉटर में अभी ये जो सॉल्यूशन है आपको इसमें रेड लिटमस पेपर डिप करना है जैसे ही आप रेड लिटमस पेपर डिप करोगे आपको देखने को मिलेगा की इट विल टर्न ब्लू वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा जो इंडिकेट करता है कि मैग्नेशियम ऑक्साइड कैसे नेचर वाला है बेसिक नेचर वाला ओके सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट दैग्नेशियम इज अ मेटल व्हिच फॉर्म्स अ बेसिक ऑक्साइड मैग्नेशियम ऑक्साइड ऑन बर्निंग इन एयर दिस बेसिक मैग्नेशियम ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू हो गया नाउ

आपको केमिकल फॉर्मूला दिया गया है ये केमिकल सिंबल ऑफ मैग्नेशियम कैपिटल एम विथ स्मॉल जी एम जी इज अ मैग्नेशियम इट्स अ मेटल एंड ऑक्सीजन उसका केमिकल फॉर्मूला है ओ टू एंड बाई रिटिंग फॉर्मूला है एम जी ओ इट्स ऑक्साइड ओके ना मैग्नेशियम वॉटर टू फॉर्म मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जैसे ही हम उसको वॉटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा तो देखिए मैग्नेशियम ऑक्साइड वॉटर एच टू ओ इससे बाइंड होके बनाएगा मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड एम जी ओ एच ट्वाइस इसको ऐसे बोलते हैं एम जी ओ एच ट्वाइस Magnesium hydroxide. Okay, magnesium hydroxide turns red litmus to blue, showing that it is a base and that magnesium oxide is a basic oxide. Similarly, sodium is a metal which forms a basic oxide. Sodium oxide Na2O, sodium oxide, benega. A solution of sodium oxide in water turns red litmus to blue. Please note that when we want to react a metal with oxygen, बर्न दिन एयर इट इज दिन टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड तो ये ध्यान में रखने की चीज है कि मेटल को जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना है हमें तो उसको बर्न करना होगा जैसे ही हम बर्न करेंगे मेटल को तो एटमोसफियर का ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड होके मेटल ऑक्साइड बना देगा ओके तो ये हो गई सारी बातें अबाउट द मेटल

उसका केमिकल फॉर्मूला है एफ ध्यान में रखना जैसा लिखा है वैसा ही आपको लिखना है टू एंड थ्री इज इन सबस्क्रिप्ट तो सबस्क्रिप्ट में ही आपको लिखना है एफ टू ओ थ्री इट्स ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू ओके नाउ आगे बढ़ते हैं वी विल नाउ डिस्क्राइब रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विथ मॉइस्टेर विच टेक प्लेस इन नेचर कोपर मेटल के साथ क्या होता है when a copper object is exposed to moist air for a long time then copper reacts with water carbon dioxide and oxygen present in moist air to form a green coating on the copper object the green coating or green material is a mixture of copper hydroxide and copper carbonate which is formed by the action of moist air on copper object this reaction can be written as टू सी यू इसका मतलब होता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर रिएक्ट रियर कार्बन डाइऑक्साइड सीओ टू एंड ऑक्सीजन ओ टू ये सारे मॉइस्ट और मॉइस्ट uh, एयर में प्रेजेंट ही है उसके साथ रिएक्ट होते हैं और बन जाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड सी ओ एच कॉपर कार्बोनेट सी यू सीओ थ्री और ये दोनों मिला के ग्रीन कलर का कोटिंग हमारे कोपर के वेसल के ऊपर बना देता है दस वेन अ कोपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉय फॉर अ लॉन्ग टाइम इट एक्वायर्स अ ग्रीन कोटिंग ऑन इट्स सरफेस द मिक्सचर ऑफ कोपर हाइड्रोक्साइड एंड कोपर कार्बोनेट व्हिच फॉर्म्स द ग्रीन कोटिंग इज कॉमनली नोन एज बेजिक कोपर कार्बोनेट बिकॉज इट इज बेजिक इन नेचर

तो कोरोजन की वजह से उनका अपर लेयर रिमूव होता रहता है और वो मेटल धीरे धीरे उसकी थिकनेस कम होती जाती है ओके okay, तो ये था पूरा मेटल के लिए नाउ विल टॉक अबाउट दी नॉन मेटल्स हाउ नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन तो देख के पता चल जाएगा नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड एंड दीज आर एसिडिक ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर तो ये लोग क्या करेंगे लिटमस पेपर जो ब्लू कलर का है उसको रेड में कन्वर्ट कर देंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि ये कौन सा वाला है एसिडिक नेचर वाला है ओके नाउ सल्फर एक नॉन मेटल है ओके okay, तो ये सल्फर के लिए एक एक्टिविटी है सल्फर इज अ नॉन मेटल विच फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ऑन बर्निंग इन एयर तो यहाँ पे देखिए डायग्राम से ही हम समझ लेंगे व्हेन सल्फर इज सल्फर इज बर्न इन एयर इट फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड तो इसको कैसे गेन करना है देखिए डी फ्लैगरेटिंग स्पून तो ये है डी फ्लैगरेटिंग स्पून उसको कंबसन स्पून बोलते है जिसमें ऊपर लीड आता ही है जिससे हम इसमें कुछ बर्न करें तो उसका जो गैस है वो हम अलग जार में कलेक्ट कर सके डी तो फ्लैगरेटिंग स्पून है उसमें हमें सल्फर डालना है एंड बर्नर पे उसको बर्न करना है बर्न करते ही ही सल्फर के ऑक्सीजन से रिएक्ट रिएक्ट होगा और होते ही हमें उसको करना है क्या एक जार में लीड के रख देना है इससे क्या होगा जैसे ही सल्फर बर्न होता जाएगा वो एयर में ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होके SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता जाएगा फिर यहाँ पे बहुत सारा गैसेस कलेक्ट हो जाएगा तो हमें लीड बंद कर देनी है स्पून को निकाल देना है अब हमारे पास कलेक्ट हो गया है सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें अगर हम वाटर डालेंगे फिर उसको मिक्स कर देंगे और फिर उसमें डिजॉल्व हुआ जो एसोटू है उसके लिए लिटमस पेपर का टेस्ट करेंगे तो लिटमस पेपर में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को इस जार में डालेंगे तो वो टर्न हो जाएगा रेड कलर में So, इससे प्रूव होगा कि ये एसिडिक है एसिडिक इन नेचर अभी ये केमिकल रिएक्शन कैसी होगी तो देखिए सल्फर बर्न्स इन एयर इट कम्बाइंस विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड विच इज एसिडिक ऑक्साइड तो सल्फर का सिंबल है कैपिटल एस ऑक्सीजन है ओ टू सो कंबाइन होके बन जाएगा SO2, टू जिसे मैं प्यार से कहती हूँ सो टू ओके लेकिन ऐसा कोई है नहीं उसका केमिस्ट्री में नाम वो तो हमने ऐसे ही मजाक में बना दिया है सो टू को टू नो टू तो एसओ टू NO2, टू एनओ टू उसके लिए सो टू को टू नो टू तो यह है एसओ टू क्योंकि ये बहुत ही पॉल्यूशन क्रिएट करने वाला गैस है ओके सल्फर डाइऑक्साइड इन वॉटर टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड सोलूशन सल्फर डाइऑक्साइड एसो टू रियक्ट विथ वॉटर टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड एच टू एसओ थ्री इज एन एसिड सल्फ्यूरस एसिड इसे बोलते हैं ध्यान में रखना है इसका केमिकल फॉर्मूला एच टू एसओ थ्री सल्फ्यू रस एसिड This sulfurous acid turns blue litmus to red, showing that it is an acid and that sulfur dioxide is acidic in nature. Similarly, carbon is a non metal which forms an acidic oxide, carbon dioxide. A solution of carbon dioxide in water turns blue litmus red. From the above discussion, we conclude that metals form metal oxides on burning in air. And metal oxides are basic in nature and turn red litmus to blue. Whereas non metals form non metal oxide on burning in air, non metal oxides are acidic in nature and turn blue litmus to red color. This property of the nature of oxide can be used to identify whether a given element is a metal or a non metal. This is because if an element forms an basic oxide which turns red litmus blue then the element will be a metal and if an element forms an acidic oxide which turns blue litmus to red then the element will be a non metal we have studied acids and bases in class 7 we can now understand that metal oxides are basic in nature and form bases on dissolving in water

हाइड्रोक्साइड मेटल से बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम मेटल से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम मेटल से वैसे ही नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स इन एसिड तो सल्फ्यूरस एसिड में सल्फर नॉन मेटल है सल्फ्यूरिक एसिड में भी सल्फर नॉन मेटल है नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन नॉन मेटल है कार्बोनिक एसिड में कार्बन नॉन मेटल है ओके okay, तो ये है कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो बेस एंड एसिड में प्रेजेंट है उनके नाम तो ये ध्यान में रखना एमसीक्यू के लिए आपको काम लगेगा ओके okay. प्लीज नोट दट मोस्ट ऑफ दॉन मेटल्सिडिकॉन न्यूट्रल ऑक्साइड विच आर नाइडर एसिडिक नॉर बेजिक जो एसिडिक भी नहीं है बेजिक भी नहीं है ऐसे न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल विच फॉर्म्स अल ऑक्साइड एच टू ओ मनली नोन एज वॉटर तो ये जो वॉटर है वो ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है वो न्यूट्रल है ओके okay? तो ये एक्सेप्स है वॉटर ध्यान में रखना रिएक्शन विक्स्ट लेक्चर में आज के लिए इतना ही अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन कमेंट फॉर दिस ओके आप यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हो अगर आपको कुछ डाउट है तो ओके okay? और अगर कुछ भी डाउट नहीं है तो वेल एंड गुड मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ टिल डेट टाटा बाय बाय